नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फलाहारी साबूदाने की टिक्की। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लेकर और उसे 4 घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो करके रख दिया। ये फूल करके तैयार हो गए हैं। 1/4 कप दरदरी कुटी हुई मूंगफली है रोस्टेड। 1 आलू है, उसको मैश करके लिया है, उबला हुआ आलू है। 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया, भुना सिका जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच। और टिक्की को सेकने के लिए मैंने तेल लिया है, मूंगफली का तेल। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में फूले हुए साबूदाने ले लेंगे। ये फूलकर अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट है। इसमें उबला हुआ आलू डाल देते हैं और इसको हाथों की सहायता से अच्छा मैश कर लेंगे। मैंने साफ हाथों की सहायता से आलू और साबूदाने को थोड़ा सा अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें मिला देंगे, रोस्टेड मूंगफली, भुना सिका जीरा पाउडर, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्ची और काली मिर्ची, इन सबको भी डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए मैंने इसे डो जैसा बना लिया है। यह मिश्रण अब टिक्की बनाने के लिए तैयार है। मैंने हाथों में हल्का सा तेल लगा लिया है। अब इसमें से 1 पोर्शन लेंगे, इतनी बड़ी भी टिक्की बनाना होगी, और उसे गोल करते हुए इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे और इसी प्रकार से सारी टिक्कियां बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने सभी साबूदाने की टिक्कियां बना करके तैयार कर ली। अब इसे सेकेंगे। इसके लिए मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गया है। अब इस पर मैं तेल डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी। तेल को मैंने अच्छी तरह से तवे पर फैला दिया है। अब हम उस पर टिक्की रख देंगे सिकने के लिए। मैंने सभी टिक्कियाँ सिकने के लिए रख दी है। और थोड़ा तेल डाल दूंगी। जब ये एक ओर से अच्छी तरह सिक जाएंगी गोल्डन ब्राउन, तब मैं इन्हें पलट दूंगी और दूसरी ओर से सेक लूँगी। टिक्की एक ओर से सिक गई, मैंने इसे पलट दिया है और दूसरी ओर से भी सिकने दूंगी। साबूदाने की टिक्की को मैंने पलट कर दूसरी ओर से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन सेक लिया और ये बन करके तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इन्हें सर्व कर देती हूँ। मैंने सभी फलाहारी साबूदाने की टिक्की को सेक करके तैयार कर लिया है और इसे सर्व कर लिया है प्लेट में। इसे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर की चटनी बनाई है, जिसमें कि मैंने नींबू, सेंधा नमक और भुना सिका जीरा डाल करके पीसा है। ये चटनी भी फलाहारी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये टिक्की।
इसे आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं या वैसे भी बना करके खा सकते हैं। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।